अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये खबर आपके काम की है। केंद्रीय कार्मिक विभाग की तरफ से 22 दिसंबर 2003 तक निकले भर्ती के विज्ञापन से नौकरी पाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसमें आईएएस अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पेंशन के हकदार हैं। इसके आवेदन के लिए 31 अगस्त 2023 का विकल्प दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार यूपी के कार्मिक विभाग ने काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म करने हेतु न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम शुरू किया गया। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, लेकिन नई पेंशन में ये नहीं है। पिछले कुछ समय में राज्यों और केंद्र में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से इसे बहाल कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आए पत्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है। कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी नहीं आएंगे। इस पत्र की कॉपी यूपी का कार्मिक विभाग सरकार के संबंधित विभागों को भेज रहा है। इसके दायरे में आने वालों को 31 अगस्त 2023 तक विकल्प सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं। इसलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर विचार किया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से विकल्प दिया गया है। यदि कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता है तो इसके लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित तिथि तक इस विकल्प को सिलेक्ट नहीं करता है तो उसे एनपीएस का ही फायदा मिलेगा। यदि कोई पुरानी पेंशन का विकल्प चुनता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी करके उनके एनपीएस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये खबर आपके काम की है। केंद्रीय कार्मिक विभाग की तरफ से 22 दिसंबर 2003 तक निकले भर्ती के विज्ञापन से नौकरी पाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसमें आईएएस अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पेंशन के हकदार हैं। इसके आवेदन के लिए 31 अगस्त 2023 का विकल्प दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार यूपी के कार्मिक विभाग ने काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म करने हेतु न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम शुरू किया गया। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, लेकिन नई पेंशन में ये नहीं है। पिछले कुछ समय में राज्यों और केंद्र में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से इसे बहाल कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आए पत्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है। कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी नहीं आएंगे। इस पत्र की कॉपी यूपी का कार्मिक विभाग सरकार के संबंधित विभागों को भेज रहा है। इसके दायरे में आने वालों को 31 अगस्त 2023 तक विकल्प सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं। इसलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर विचार किया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से विकल्प दिया गया है। यदि कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता है तो इसके लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित तिथि तक इस विकल्प को सिलेक्ट नहीं करता है तो उसे एनपीएस का ही फायदा मिलेगा। यदि कोई पुरानी पेंशन का विकल्प चुनता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी करके उनके एनपीएस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले।
पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।